हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम करने वाले हैं मीशो कुर्ता सेट हॉल अगेन, और सभी के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी वेस्टिंग अ टाइम, हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। फर्स्ट ड्रेस दिखाती हूँ, फर्स्ट कुर्ता सेट, बहुत ज़्यादा प्यारा है। इस कुर्ते सेट को आप अपने ऑफिस के लिए, कॉलेज के लिए कंसीडर कर सकते हो। मटेरियल काफी ज्यादा अच्छा है, साइज जो मैंने लिया है स्मॉल साइज है और मेरे को परफेक्ट फिट है। ये 3/4 आपको स्लीव्स मिल जाएंगे एंड स्लीव्स में इस तरीके का लेसिंग पैटर्न यूज कर रखा है। सेम ही लेसिंग पैटर्न इसमें नेक में यूज कर रखा है, स्वीट हार्ट काइंड ऑफ इसका नेक लाइन है। पूरा ये आपको इस तरीके का प्रिंटेड मिल जाएगा, और जो स्ट्रेट फिट कुर्तीज होती हैं उसी तरीके का मिल जाएगा। लेंथ विड्थ एकदम प्रॉपर है, मतलब फिट वगैरह मुझे एकदम सब सही आया है। मटेरियल काफी ज्यादा अच्छा है। इसके साथ में जो बॉटम है हम लोग सेमी इलास्टिक मिल जाएगा हम लोग को यहाँ से, एंड छोटा छोटा आपको यहाँ पे प्रिंट मिल जाएगा। एंड इसका ना बुटीक स्टाइल स्टिचिंग पैटर्न है, स्टिचिंग पैटर्न काफी ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे भी इस तरीके के कुछ पाइपिंग वाला इफेक्ट मिल जाएगा। मटेरियल काफी ज्यादा अच्छा है, ऑफिस कॉलेज के लिए परफेक्ट रहेगा। साइज अपना परफेक्ट बाय करना, कोई इशू नहीं होगा। नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ आपको, इसका भी मैंने साइज स्मॉल ही बाय किया है। और इस तरीके का कुर्ता मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो मीशो हॉल में दिखाया था, वो मस्टर्ड कलर का कुर्ता था। उसमें बस स्लीव्स नहीं थी, लाइक वो स्लीवलेस कुर्ता था, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा था। और इसका कलर है ग्रीन सॉर्ट ऑफ कलर है, और सेम ही है बट इसमें स्लीव्स है। तो जिन लोगों को भी इसे स्लीवलेस नहीं पहन सकते हो तो इस कुर्ते के साथ आराम से जा सकते हो। और इसका फैब्रिक कॉटन मटेरियल है, और बहुत सॉलिड वाला जो कॉटन मटेरियल होता है वो है। समर में आराम से पहन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 3/4 आपको स्लीव्स मिल जाएंगे, एंड स्लीव्स पे इस तरीके का लेसिंग वर्क पैटर्न इसमें यूज करके जो फॉल्स मिरर की डिटेलिंग होती है ना वो मिल जाएगा इसमें। एंड वी नेकलाइन के साथ इसमें भी यहाँ पे भी आपको ऐसे पाइपिंग वाला इफेक्ट मिल जाएगा। ये लेस वर्क है, पाइपिंग नहीं है। एंड इस तरीके का दोनों ही साइड यहाँ पे भी इस तरीके ना पैनल करके लेस वर्क यूज कर रखा है। सो ए लाइन सॉर्ट ऑफ जो कुर्ती होती है उस तरीके की है। और फ्लेयर आप देख सकते हैं कितना है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हाँ कॉटन की जो कुर्तीज होती है उनके लिए परफेक्ट है। मतलब उसमें इसी तरीके का फ्लेयर होता है और काफ़ी ज़्यादा सही है। बैक साइड से पूरा सिंपल मिल जाएगा आपको। और जो ये आप शाइनिंग वाली जो लाइन्स देख रहे हैं ना, ये शाइनिंग वाली जो शिमरी काइंड ऑफ जो लाइन्स होती हैं उस तरीके का है। इसको भी आप अपने ऑफिस में, कॉलेज में, यहाँ वहाँ जा रहे हैं आराम से कंसिडर कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा सॉलिड कुर्ता है ये, मैं बोलूँगी। इसमें अपना परफेक्ट साइज बाय करना, कोई इशू नहीं होगा। जो बॉटम इसके साथ में मिल जाएगी हम लोगों को सेमी इलास्टिक मिल जाएगा। पॉकेट्स इसमें अवेलेबल नहीं है, एंड स्ट्रेट फिट जो पैंट्स होती है उसी तरीके का है। एंड एंड स्पेस के वो लेस मिल जाएगी जो इसके नेकलाइन पे थी। सो इसी तरीके का इसका पैंट है। इसके साथ में दुपट्टा भी मिलेगा, लेंथ विड्थ इसकी प्रॉपर है। एंड ये आपको ना पूरा वोवन वाला वर्क मिल जाएगा, ऐसे मल्टी कलर के थ्रेड यूज हो रखे हैं इसमें, कलर इस तरीके के हैं मतलब। और ये वाला जो फैब्रिक है ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, फुल्ली पैसा वसूल ये कुर्ता सेट है। मुझे इसका येलो वाला भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और ये वाला भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ एक ड्रेस, जो कि शायद ड्रेस वाला हॉल था उसमें इंक्लूड करनी थी, बट ये मुझे लेट रिसीव हुई तो मैंने सोचा इसमें इंक्लूड कर देते हैं। इसका फ्रंट और बैक और प्रिंटेड है, मतलब तो फ्रंट बैक सब सेम है, इसका डिज़ाइन पैटर्न सब सेम है इसका। इस तरीके की इसके स्लीव्स मिल जाएंगे, फुल स्लीव्स, एंड यहाँ पे भी इन्होंने इलास्टिक लगा रखा है। और इसका जो मटेरियल है वो जॉर्जेट मटेरियल है, वो जो स्लिपरी वाला जॉर्जेट होता है उस तरीके का, ऐसे छोटा छोटा ग्रीन कलर का बेस एंड वाइट कलर के फ्लावर्स ही रखे हैं। एंड यहाँ पे भी इसमें इलास्टिक मिल जाएगा, ये वाला जो पार्ट है सो अच्छे से इसने हग कर लिया था बॉडी को। और ये पूरा ही आपको ना ऐसे स्मोकी इफेक्ट मिल जाएगा फ्रंट और बैक दोनों साइड में। सो फिट का कोई इशू नहीं है, और ये ना आपको फ्री साइज में मिलेगा। सो कोई भी मतलब एल साइज, एम साइज, स्मॉल साइज सबको ये फिट हो जाएगा। बाकी नॉर्मली इसी तरीके की है, फ्लोई फ्लोई सी है, फ्रंट और बैक लुक सेम है। इसमें टायर्ड पैटर्न यूज हो रखा है, और यहाँ पे आपको है ना हल्की सी एक्स्ट्रा फ्रिल फ्रिल वाली डिटेलिंग मिल जाएगी, और सी थ्रू नहीं है क्योंकि इसमें लाइनिंग अटैच है। इस तरीके से सिंटून फैब्रिक, और कितना ज़्यादा फ्लोई है ट्रायन से आपको क्लियर हो जाएगा। थम्स अप फ्रॉम माई साइड, बहुत ज़्यादा अच्छी है। शायद इसका जो रेंज भी है 1000 रुपीज़ या फिर 900 समथिंग इतना ही होगा। सो उसके अकॉर्डिंग वर्थ बाइंग है, मतलब ऐसा लग रहा हो कुछ लोगों को कॉस्टली है बट नहीं, मतलब उसमें चीज़ें हैं उस तरीके की। सो काफ़ी ज़्यादा सही है, आप यहाँ वहाँ जाने के लिए आराम से कंसिडर कर सकते हैं। जिन लोगों को ऐसे शॉर्ट ड्रेस में इशू होती है सो वो इस लॉन्ग ड्रेस के साथ में जा सकते हैं। नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ आपको कुर्ता सेट, इसको आप कॉर्ड सेट, एज ए कॉर्ड सेट भी पहन सकते हो। और ये ना आपको इस तरीके कॉलर्ड पैटर्न मिल जाएगा इसमें,
और इसे ग्रीन कलर के फ्लावर्स मिल जाएंगे और ये आपको इसे सी ग्रीन इसका बेस मिल जाएगा इस तरीके का, मतलब सी ग्रीन ऐसा ऑफ वाइट कलर के और इस तरीके का आपको कुर्ता मिल जाएगा। सिंपल है बट मटेरियल इसका प्योर कॉटन है तो अलग ही लुक आ रहा था पहनने के बाद। और आई सूदिंग कलर्स हैं, छोटा ही कुर्ता है, लाइक मैंने बोला ना कॉर्ड सेट की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो। और हल्का सा ना राउंड शेप है इसकी नीचे से ये वाला, तो पठानी जो कुर्तीज़ होते हैं उस तरीके का है, स्ट्रेट फिट काइंड ऑफ है। सो मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था और मटेरियल इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड इसमें सेमी इलास्टिक मिल जाएगा हम लोग को, इसका भी स्टिचिंग पैटर्न काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और ये फियोरा ब्रांड से है। सो इस फियोरा ब्रांड के कुर्ते मुझे बहुत ज़्यादा सही लगते हैं, लाइक उनका स्टिचिंग पैटर्न अच्छा होता है एंड उनके फैब्रिक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। ऐसे स्ट्रेट फिट काइंड ऑफ जो प्लाजो होते हैं उस तरीके का मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा आई सूदिंग और कलर कॉम्बिनेशन अच्छे हैं इसके। सो डेफिनेटली अगर आपको कुछ ऐसे ऑफिस के लिए लाइट वेट कुछ चाहिए, कॉलेज के लिए कुछ लाइट वेट चाहिए, सो आप इसके साथ में आराम से जा सकते हो। नेक्स्ट जो कुर्ता है इसको भी आप अपने ऑफिस कॉलेज के लिए कंसीडर कर सकते हो। आपको इसमें ऐसे राउंड नेक मिल जाएगा छोटा सा ही और 3/4 आपको इसमें स्लीव्स मिल जाएंगी। यहाँ पे ऐसे लेसिंग वर्क यूज़ कर रखा है, ये देखो कितना सुंदर इसमें कलर है और कलर कॉम्बिनेशन इसके कितने ज़्यादा अच्छे हैं। ये कलर भी थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब एज यूजुअल जो हम लोग देखते हैं वो नॉर्मल रेगुलर कलर नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। और इसकी योग पार्ट पे भी इतनी सुंदर से लेस डिटेलिंग मिल जाएगी और लेस सेम आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी इस तरीके से। स्ट्रेट फिट जो रेगुलर फिट जो कुर्ते होते हैं वही है और मैंने इसमें अपना साइज लिया है स्मॉल, मेरे को एकदम अच्छे से फिट हो रखा है। इसमें आप अपना परफेक्ट साइज बाय करना, कोई इशू नहीं होगा। इसके साथ में जो हम लोगों को बॉटम रिसीव होता है सेमी इलास्टिक मिल जाएगा, पॉकेट्स में अवेलेबल नहीं है। और इसका भी मटेरियल सेम है, मतलब प्योर कॉटन जो इसके कुर्ते का था, ये देखो इस तरीके का है। इसके एंड्स पे ये लेसिंग वर्क इन्होंने यूज़ कर रखी है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये कुर्ता, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ आपको अगेन एक कुर्ता सेट कॉर्ड सेट, और इसका जो मटेरियल है हल्का सा जूट सॉर्ट ऑफ है, एक थोड़ा सा ये मुझे ऐसा ना फील हो रहा है हल्का सा जूट जैसा, ये वॉश होने के बाद सॉफ्ट हो जाएगा। इसके कलर कॉम्बिनेशन देखो, इसमें नेकलाइन आपको मिल जाएगा वी नेकलाइन एंड ये लेसिंग पैटर्न इसमें यूज कर रखा है। और ये वाला थोड़ा सा ना जो पाकिस्तानी जो फिट्स होते हैं उस तरीके का मेरे को ऐसे लग रहा था, लूज फिट और ये ऐसे बेल स्लीव वाली इफेक्ट और ये ऐसे पाकिस्तानी जो लेस वर्क वाले होते हैं ना, मतलब इस तरीके का। और ये ना प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, सो चेकआउट कर लेना आप। नेकलाइन पे भी इस तरीके का लेस वर्क इन्होंने यूज़ कर रखा है एंड स्ट्रेट फिट के साथ में ये हल्का सा ना आपको ऐसे कर्व मिल जाएगा नीचे से, बैक साइड से पूरा इसी तरीके का प्रिंटेड मिल जाएगा। बाकी इसके कलर कॉन्ट्रास्टिंग भी अच्छे हैं एंड इसको भी आप एज ए कॉर्ड सेट ट्राई कर सकते हो। इसके साथ में जो हम लोग बॉटम मिलेगा वो हम लोगों को सेमी इलास्टिक मिल जाएगा वेस्ट लाइन से एंड स्ट्रेट फिट जो पैंट्स होती है उस तरीके का। और यहाँ पे भी इन्होंने ऐसे लेसिंग वर्क यूज़ कर रखा है इसके एंड्स पे भी, समर्स के अकॉर्डिंग ठीक रहेगा क्योंकि जूट एंड खादी जूट सॉर्ट ऑफ ना सही होते हैं समर्स में। नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ आपको एक और कॉर्ड सेट या फिर कुर्ता सेट, और ये वाला ना बहुत ज़्यादा मतलब लाइट वेट है, इसका जो मटेरियल है ना बहुत ज़्यादा लाइक मलमल सॉर्ट ऑफ जो होते हैं ना उस तरीके का है, बहुत ही ज़्यादा ब्रीदेबल और लाइट वेट है। इसका कॉलर्ड वाला ऐसे नेकलाइन मिल जाएगा और मैंने जो इसमें साइज़ लिया है मीडियम साइज़ लिया है, सो मुझे परफेक्टली फिट है, लाइक जो लूज़ फिट होते हैं उसी तरीके का है। इसमें मिल जाएंगी आपको 3/4 स्लीव्स एंड ये आपको ऐसे लेसिंग वर्क यूज़ कर रखा है। इसके से फ्लावर डिटेलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, कलर कॉम्बिनेशन अच्छे हैं, ये देखो इस तरीके के हैं। और ये भी हल्का सा ना नीचे से हाई लो जो पैटर्न होता है वो है और ये ए लाइन सॉर्ट ऑफ जो कुर्तीज़ होती हैं ना उस तरीके की है। इसको आप कॉर्ड सेट पहन सकते हो, कुर्ती सेट पहन सकते हो, फ्रंट और बैक इसका सेम है, मटेरियल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड कलर कॉम्बिनेशन। और इसके साथ में जो बॉटम लोगों रिसीव होती है फुल्ली इलास्टिक मिल जाएगा हम लोग को यहाँ से एंड स्ट्रेट फिट जो पैंट होती है उस तरीके की है, बहुत सही है ये वाला भी। नेक्स्ट भी मैं एक कॉर्ड सेट दिखाती हूँ आपको, इसका कलर मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था, लाइक ये कलर पैरट ग्रीन कलर, लाइक थोड़ा सा नियोनिश पैरट ग्रीन कलर इस तरीके का है। राउंड नेक मिल जाएगा इस तरीके का थोड़ा बोट स्टाइल में एंड जो साइज़ मैंने लिया है इसमें मीडियम और मुझे परफेक्ट फिट है, लूज़ फिट जिस तरीके का होता है। मैंने इसकी ये एम्ब्रॉयडरी ना तो मुझे थोड़ी डिफरेंट लग रही थी तो मैंने इसी की वजह से बाय किया। आप देख लेना आपको ये कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो आप बाय कर सकते हो, नहीं लग रहा है तो अवॉइड कर सकते हो। अदरवाइज़ इसका जो मटेरियल की बात है वो इसका रेयन है, सॉफ्ट रेयन है तो मटेरियल अच्छा है एंड इसका फिट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है।
जो स्ट्रेट फिट शॉर्ट से कुर्ती होती है उसी तरीके का फ्रंट से प्लेन एंड बैक से प्लेन, ओनली इसकी स्लीव्स में ये डिज़ाइन मिल जाएगा आपको। इसके साथ में जो बॉटम रिसीव होता है वो फुल्ली इलास्टिक मिल जाएगा एंड यहाँ पे ना साइड में इसमें से लेस वर्क या फिर ये एम्ब्रॉयडरी कर रखी है, लेस नहीं है सॉरी, इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी। और स्ट्रेट फिट जो पैंट्स होती हैं उस तरीके का है, इसका फैब्रिक ज़्यादा अच्छा है अगर किसी को लेना है तो, फैब्रिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड साइज मैंने लिया है अपना इसमें मीडियम, सो आप आइडिया ले सकते हैं। नेक्स्ट भी मैं दिखाती हूँ आपको एक कॉर्ड सेट, और इसमें आपको ऐसे कॉलर्ड वाला नेकलाइन मिल जाएगा। इसका जो मटेरियल है ना काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, मुझे समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा रेयन और क्रेप का कुछ मिक्स, और इसमें सिल्क टच भी है थोड़ा, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम सा है ये कॉर्ड सेट। ऐसे फुल स्लीव्स मिल जाएंगी और इसका भी जो बेस है वो ऐसे पैरट ग्रीन और ऐसे ग्रे का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा इसमें आपको। और सारे ना ये बटन ऐसे ओपन हो जाएंगे, ये एज ए शर्ट है इस तरीके का, फ्रंट और बैक इसका सेम मिल जाएगा आपको। और जो साइज़ मैंने अपना लिया है इसमें मीडियम साइज़ लिया है, मुझे परफेक्टली फिट है, मतलब अगर मैं शायद इसमें स्मॉल साइज़ बाय करती तो फिट सा होता ज़्यादा, वो मुझे नहीं लगता सही। इसके साथ में जो पैंट जो बॉटम में जो ट्राउज़र हम लोग मिलेगी सेमी इलास्टिक मिल जाएगी एंड काफ़ी ज़्यादा फ्लोई है इसका पैंट, प्लाजो इस तरीके का है। एंड यहाँ पे अलग से ना मतलब इफेक्ट, ये जो क्या होता है फैब्रिक को फोल्ड करके जो होता है ना उस तरीके का इफेक्ट मिल जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा सही है। इसको चेकआउट कर लेना किसी को, मतलब ऑफिस के लिए या फिर कॉलेज के लिए ऐसे कंफर्टेबल सा कुछ चाहिए, सो डेफिनेटली आप इसके साथ में जा सकते हो। नेक्स्ट मैं अगेन एक कॉर्ड सेट और दिखाती हूँ। इसका ना कलर तो अच्छा है, ऑफ वाइट कलर है और इसमें इस तरीके के प्रिंट भी हैं और इसमें ना इस तरीके के फ्लावर डिटेलिंग भी मिल जाएगी। प्रिंट आई सूदिंग है, फैब्रिक कॉटन मटेरियल है, सब कुछ अच्छा है, बट ये हल्का सा ना सी थ्रू है, सो आपको इसके नीचे स्पेगडी डालनी पड़ेगी बिकॉज ये वाइट है, ट्रांसपेरेंट है ये वाला, सो आपको स्पेगडी पहनना पड़ेगा। 3-4 स्लीव्स मिल जाएंगी एंड ये ऐसे लेसिंग वर्क इसमें यूज़ करेगी, कितने ज़्यादा सुंदर इसमें डिटेलिंग है फ्लावर प्रिंट वाली, एंड वाइट बेस है, समर्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और मैंने जो इसमें साइज़ लिया अपना मीडियम, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फिट लग रहा है इसका, ये लेसिंग पैटर्न इसमें यूज़ कर रखा है नेकलाइन पे भी। एंड स्ट्रेट फिट जो शॉर्ट कुर्तीज़ होते हैं ना उस तरीके का है, बैक साइड से भी इसी तरीके का है प्लेन, बस इसमें आपको स्पेगडी का नीड होगा बिकॉज ये ट्रांसपेरेंट है। और इसका बॉटम आपको मिल जाएगा फुल्ली इलास्टिक मिल जाएगा वेस्ट लाइन से इसमें, और ये कुछ इस तरीके का है, स्ट्रेट फिट है और नीचे से जाके इन्होंने इस तरीके की ना हल्की हल्की गैदरिंग देके थोड़ा सा लुक को मतलब थोड़ा डिफरेंट कर दिया, थोड़ा पठानी काइंड ऑफ इसका लुक दे दिया है। सो चेकआउट कर लेना इसको भी, जिसको भी इस तरीके के पीसीस पसंद है, कुछ ईजी ब्रीजी से चाहिए हो तो चेकआउट कर लेना। साइज़ एक बार अपना चेक कर लेना, अगर आपको मतलब फिट चाहिए सो आप परफेक्ट साइज़ बाय करना, और एक साइज़ प्लस जाओगे तो एकदम कंफर्टेबल फिट जो होता है वो मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ आपको बहुत ज़्यादा आई सूदिंग और कॉटन मटेरियल का कुर्ता, कुछ अपने ऑफिस के लिए ऐसे कंफर्टेबल कुछ ढूंढ रहे हैं सो आपके लिए ये वाला कुर्ता एकदम बेस्ट रहेगा। इसका जो मटेरियल है प्योर कॉटन है और साइज़ मैंने इसमें अपना लिया है मीडियम 38, मुझे मतलब फिट आप देख सकते हो कैसा है, मुझे इसी तरीके के फिट पसंद है, लूज फिट काइंड ऑफ। एंड इसकी जो नेकलाइन है इस तरीके का आपको नेकलाइन पे डिटेलिंग मिल जाएगी, 3/4 आपको इसकी स्लीव्स मिल जाएगी। और मुझे इसका सबसे अच्छा लग रहा है मटेरियल इसका कॉटन मटेरियल, नेकलाइन एंड इसके जो आई सूदिंग कलर कॉम्बिनेशन है ना ये, मतलब ऑफिस में आपको 7 to 8 to 9 hours पहनना होता है, सो कुछ ऐसा ईजी ब्रीजी सा चाहिए सो आप इसके साथ में जा सकते हैं। और ये अफोर्डेबल भी है, जो स्ट्रेट फिट जो कुर्ता होते हैं उसी तरीके का है और ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। और ये 3-piece सेट है, इसमें दुपट्टा भी मिलेगा आपको, दुपट्टा भी इसमें इंक्लूडेड है। और इसके साथ में जो बॉटम रिसीव होती है फुली इलास्टिक मिल जाएगा हम लोग को। एंड स्ट्रेट फिट जो पैंट्स होती हैं इस तरीके का है, पैंट इसकी एकदम कम्फर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इसके साथ में जो दुपट्टा मिलेगा वो फुल्ली लेंथ विड्थ वाला है और इसका जो मटेरियल है प्योर कॉटन मटेरियल है। इस तरीके के जो फैब्रिक होते हैं और जो कलर्स होते हैं उनमें से ना कलर जाने का टेंशन होता है, ना ही ये श्रिंक हो सकता है, सो इस तरीके के फैब्रिक को आप आराम से हैंड वॉश, मशीन वॉश कैसे भी कर सकते हो आप, इनको मतलब आराम से डेली वेयर में भी यूज़ कर सकते हो, इस तरीके के ये फैब्रिक हैं। नेक्स्ट दिखाती हूँ इसको भी, मतलब आप अपने ऑफिस के लिए यूज़ कर सकते हो, ये वाला कुर्ता भी काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल रहेगा बिकॉज इसका मटीरियल रेयन है। नेकलाइन इसमें इस तरीके का आपको कॉलर्ड वाला नेकलाइन मिल जाएगा और सेम ही कुर्ता मैंने ना मिंत्रा से भी बाय किया था ये, बट उसका जो मटेरियल है वो प्योर कॉटन मटेरियल है और इसका रेयन मटेरियल है। साइज़ जो मैंने लिया है इसमें मीडियम लिया है, अगर आपको फिट चाहिए तो आप इसमें परफेक्ट साइज़ बाय करना, अदरवाइज़ एक साइज़ प्लस जाओगे तो बहुत अच्छा फिट आएगा इसमें।
थ्री फोर्थ आपको स्लीव्स मिल जाएगी। इसके भी कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एंड ये फ्लावर डिटेलिंग, मतलब इस तरीके के जो कुर्ते होते हैं और इस तरीके के कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं समर्स में। और इसमें भी ऐसे बटन्स की डिटेलिंग दे रखी है यहाँ पे, बाकी पूरा ये प्रिंटेड है एंड फ्रंट स्लिट मिल जाएगा इसमें इस तरीके। बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, आप देख सकते हो ट्राई ऑन से ना आपको एग्जैक्ट लुक क्लियर हो जाएगा कहाँ से स्लिट शुरू हो रहा है कहाँ से नहीं हो रहा है। सो इस तरीके का बैक साइड से भी इसी तरीके का है, जो नीचे से ना काफ़ी ज़्यादा फ्लोई फ्लोई सा मिल जाएगा आपको, अच्छा फिट आ रहा था। मटेरियल इसका रेयन मटेरियल है तो आप इसको आराम से 8 to 9 hours या पूरा दिन भी पहन सकते हो, कोई इशू नहीं होगा अगर आपने कंफर्टेबल साइज बाय किया है। सो इसके साथ में जो हम लोग बॉटम रिसीव होती है सेमी इलास्टिक मिल जाएगा और पॉकेट्स भी इसमें अवेलेबल है, एक साइड में आपको इसमें पॉकेट मिल जाएगी। एंड जो स्ट्रेट फिट काइंड ऑफ जो पैंट होती है इस तरीके का है। नेक्स्ट दिखाती हूँ एक कॉर्ड सेट जो कि हम लोगों फ्योरा ब्रांड से है और साइज़ मैंने इसमें अपना शायद स्मॉल ही बाय किया होगा क्योंकि फ्योरा के जो साइज़ हैं वो परफेक्ट हैं और स्मॉल साइज़ मुझे इनका परफेक्ट रहता है। और ये ना कॉर्ड सेट ही है, वी नेकलाइन मिल जाएगा एंड ये लेस डिटेलिंग है और आपको ऐसे 3-4 स्लीव्स मिल जाएंगी और इसी तरीके की लेस वर्क रख। ये ना इस तरीके का फैब्रिक है, लाइक आप इसको मशीन वॉश करो इसका कुछ ख़राब नहीं होगा। इसका जो मटेरियल है ना हल्का सा कॉटन ब्लेंड और कुछ क्रेप सा मिक्स है, मतलब इसका जो शाइन है वो एज इट इज़ रहेगा। क्या आपने इसको आयरन किया और इसका कुछ नहीं ख़राब होने वाला है, इसका जो शाइन है वो एज इट इज़ रहने वाला है। और कलर बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऐसे लाइलैक में वाइट कलर के फ्लावर्स। और ये जिसको भी ऐसे कुछ स्टाइलिश और कुछ अफोर्डेबल पीस में चाहिए अपने ऑफिस या कॉलेज के लिए, सीरियसली आप इसके साथ में जा सकते हो। और ये मुझे सबसे ज़्यादा इसमें जो डिटेलिंग पसंद आई वो इसकी ये है, यहाँ पे ना ऐसे ऑर्गेन्जा फैब्रिक यूज़ कर रखा है इन्होंने एंड कुछ ऐसे कर्व है इसके, मतलब इसका एग्जैक्ट लुक ना आप ट्राई से देखना कि किस तरीके का है। बाकी ये फ्रंट और बैक ये सेम मिलेगा आपको। इस तरीके के कुर्तीज़ को आप या फिर कॉर्ड सेट को आप रफ एंड टफ यूज़ कर सकते हो और काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश भी लगते हैं। और साइज़ जो मैंने लिया है स्मॉल साइज़ परफेक्ट फिट है, आप भी अपना परफेक्ट साइज़ बाय करना सो अच्छा फिट आएगा। इसके साथ में जो बॉटम रिसीव होगा वो सेमी इलास्टिक मिल जाएगा, हम लोगों पॉकेट्स नहीं है इसमें अवेलेबल एंड जो काफ़ी ज़्यादा फ्लोई फ्लोई सा है यहाँ से एंड जो ये आपको स्ट्रेट फिट काइंड ऑफ मिल जाएगा, मतलब फुल्ली वैसा वसूल है, ये फुल्ली पैसा वसूल है। आप इस कॉर्ड सेट को आराम से रगड़ के यूज़ कर सकते हो, लाइक मशीन वॉश जैसे आप चाहो वैसे वॉश कर सकते हो, वॉश करने कोई झंझट नहीं होता। ये कुछ कुछ कुर्तीज़ ऐसी होती हैं कि प्योर कॉटन में होती हैं तो हम उन्हें जेंटल वॉश प्रेफर करते हैं या फिर मशीन वॉश करते हैं तो किसी किसी के फैब्रिक का कलर निकल जाता है तो बहुत ज़्यादा इशू होता है, बट उस तरीके के फैब्रिक में कोई इशू नहीं होगा। सो डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ आपको प्योर कॉटन मटेरियल का कुर्ता और ये भी फ्योरा ब्रांड से है और साइज़ मैंने स्मॉल लिया बिकॉज इसके साइज़ मुझे परफेक्ट हैं। इसका कलर बहुत ज़्यादा आई सूदिंग है, ये भी ऑफिस कॉलेज के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। इसका फिट लुक बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये देखो स्ट्रेट फिट मिल जाएगा, स्लीवलेस है, स्लीव आपको नहीं मिलेंगी एंड इनके ना फ्योरा ब्रांड की मतलब स्टिचिंग पैटर्न सच में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। देखो इसका स्लीव्स आर्म होल मतलब इस तरीके के हैं, स्टिचिंग पैटर्न यहाँ से कहीं से लूज नहीं है, कहीं से टाइट नहीं है। और इसमें अगर हल्का फुल्का लूज भी रहता है तो इसमें साइड में ना इस तरीके का टाइप डिटेलिंग दे रखी है हल्का सा अगर लूज है तो, बट इसका फिट मुझे एकदम प्रॉपर रहता है तो मैंने तो ऐसे बस शो पर्पज से इनको हल्का सा टाई किया था। एंड ये पैनल यूज़ कर रखा है यहाँ पे अलग फैब्रिक और यहाँ पे अलग प्रिंट वाला, मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छा है इसका, 100% प्योर जो कॉटन मटेरियल होता है उस तरीके के, बैक साइड से इस तरीके के मिल जाएगा एंड स्ट्रेट फिट जो कुर्ते हैं उस तरीके की। इसका जो लुक है ना मतलब इसका जो फिट है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो अगर आप कुछ ऑफिस के लिए कुछ ऐसे डिसेंट ढूंढ रहे हैं सो डेफिनेटली आप इसके साथ में जरूर जा सकते हैं। अगर आपको ये पसंद है तो इसके कलर भी पेस्टल ही है, ऐसे बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है, सेमी इलास्टिक मिल जाएगा आपको यहाँ से एंड जो स्ट्रेट फिट काइंड ऑफ जो है बॉटम इस तरीके की मिल जाएगी। नेक्स्ट जो कुर्ता सेट है, ये वाला कुर्ता सेट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऐसे पाउडर ब्लू सॉर्ट ऑफ है और इसका सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे लग रही है वो है इसका मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छा है, लाइक
कॉटन और रेयन का मिक्स है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है इसका मटेरियल। इसका जो नेकलाइन है इस तरीके का हम लोगों को नेकलाइन मिल जाएगा, और ऐसे ना लेसिंग डिटेल्स इस पर कर रखी है, और ये वाला पैटर्न ना जो नेकलाइन है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और आजकल बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कुर्ते में मिलता है इस तरीके की नेकलाइन। इसका स्लीव्स कुछ इस तरीके का है, 3/4 है, एंड ये इतना अच्छा इतना सुंदर ऐसे लेसिंग पैटर्न इसमें आगे अटैच करके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये वाला भी। एंड ऐसे ना पैनल करके कुछ ऐसे लेसिंग वर्क अटैच कर रखा है इसमें पूरे में ही, पूरा इसी तरीके का है। और ये एंड्स पे जाके ना इन्होंने इतना ज़्यादा सुंदर अगेन यही जो बॉर्डर अटैच कर रखा है जो इसके स्लीव्स पे आपने देखा था ना, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये वाला। वर्क अच्छा है इसका, ये लेसिंग पैटर्न अच्छा है, मटेरियल अच्छा है, और पूरा बैक साइड से आपको इस तरीके का सिंपल ऐसे मोटिव मिल जाएंगे ओनली ये प्रिंटेड वाले। बेसिक प्लेन है बट कुर्ता सेट पहनने के बाद काफ़ी ज़्यादा क्यूट कूल लग रहा था, एक तो इसका कलर है ना इसी की वजह से, और ये लेसिंग पैटर्न उसकी वजह से। और मैंने जो इसमें अपना साइज़ लिया है बता देती हूँ, मीडियम साइज़ लिया है, और मुझे एकदम पाकिस्तानी जो लूज़ फिट जो जिस स्टाइल के होते हैं ना उस तरीके का है। आप अपना परफेक्ट साइज़ ही बाय कर सकते हो, और एक साइज़ प्लस जाओगे तो भी आप देख सकते हो। मेरा जो यूजुअली जो परफेक्ट साइज़ है वो स्मॉल साइज़ है, बट मीडियम मैंने पहना हुआ है, आप देख सकते हो कि मीडियम हल्का हल्का लूज़ और कंफर्टेबल ऐसा लग रहा है। सो आप देख सकते हो अपना एकदम साइज़ चार्ट एक बार चेक कर लेना। इसके साथ में जो हम लोग पैंट जो ट्राउज़र मिलती है इस तरीके का मिल जाएगा, सेमी इलास्टिक मिल जाएगा, और जो स्ट्रेट फिट काइंड ऑफ जो पैंट्स होती है इस तरीके का मिल जाएगा। और ये लेसिंग पैटर्न इसमें यूज़ हो रखा है एंड्स पे भी, इसके काफ़ी ज़्यादा सही है। इसका पैंट भी मटेरियल सेम ही है जो इसकी शर्ट का था। इसके साथ ना हम लोगों को दुपट्टा भी मिलता है जिसका लेंथ विड्थ बहुत ज़्यादा है, मुझे ऐसा लग रहा था पूरी ना बेडशीट टाइप जो होती है ना इतना ज़्यादा लेंथ विड्थ है इसका बहुत ज़्यादा। एक तो इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है, मतलब सॉलिड जो रेयन होता है ना जिस तरीके का फैब्रिक आपको कुर्ते में मिलता है ऑलमोस्ट उसी तरीके का फैब्रिक इसके दुपट्टे में है, बहुत ज़्यादा सॉलिड है। और ये इस तरीके का ना ऐसे आपको ब्लॉक्स ब्लॉक्स मिल जाएंगे पूरे में ही, इसका ट्रांस है आपको एग्जैक्ट लुक क्लियर हो जाएगा। दुपट्टा बहुत ज़्यादा हैवी और लेंथ वेंथ बहुत अच्छा है इसका, तो देख लेना। नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ आपको ये कलर इसका जो है हल्का सा नियोनिश ग्रीन, नियोन कलर जो होता है ना उस तरीके का है, और कॉलर भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसका। कॉलर आपको कुछ इस टाइप का मिल जाएगा एंड स्लीवलेस है, स्लीव्स आपको इसमें नहीं मिलेगी। मटेरियल इसका है रेयन कॉटन, आराम से आप इस वेदर में आराम से पहन पाओगे, काफ़ी ज़्यादा समरी समरी है, मतलब ब्रीदेबल मटेरियल है। अच्छा है, मुझे ये यहाँ से हल्का सा लूज था, बाकी इसका फिट लुक आप देख सकते हो कैसा लग रहा है, एकदम मुझे कंफर्टेबल था। और मैंने जो इसमें भी जो साइज़ लिया है वो भी मैंने मीडियम साइज़ लिया है, अगर मैं इसमें स्मॉल जाती हूँ तो थोड़ा फिट सा होता, मुझे इस तरीके की पसंद नहीं है, तो मुझे ये ठीक लग रहा है। हल्का सा ना मेरे को यहाँ से हल्का सा ऑल्ट्रेशन का नीड है ओनली यहाँ तक, बाकी पूरा एकदम मेरे को ऐसा लग रहा है बिल्कुल मेरे बॉडी स्टाइल का है, एकदम ढीला ढाला लूज़ मुझे अच्छा लग रहा है, एकदम फिट मुझे ऐसा लग रहा है कि आराम से आपको मतलब गर्मी तो बिल्कुल नहीं लगने वाली इस तरीके का है। और जो स्ट्रेट फिट जो कुर्ते होते हैं इस तरीके का फ्रंट और बैक, मतलब पूरा प्रिंटेड है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, समरी वाइब है, और मटेरियल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, और स्लीवलेस है तो मेरे को इस तरीके के जो स्लीवलेस होते हैं ना कुर्ते पहनने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और सिंपल सा है। इसके साथ में जो ट्राउज़र मिलेगा फुल्ली इलास्टिक मिल जाएगा, और इसमें पॉकेट भी अवेलेबल है, वन साइड इसमें आपको पॉकेट मिल जाएगी, काफ़ी डीप है इसमें पॉकेट। और ये जो स्ट्रेट फिट जो नॉर्मल रेगुलर जो प्लाजो होते हैं उस तरीके का है, एंड एंड्स पे भी इस तरीके का लेसिंग वर्क इन्होंने अटैच किया है। क्यूट है ये कुर्ता सेट बहुत ज़्यादा, और शायद अफोर्डेबल भी है, प्राइस डिटेलिंग आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगी, या फिर आप जब लिंक पे क्लिक करोगे तब आपको सारे डिटेल्स और सारे प्राइजेस मिल जाएंगे, तो आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ एक चिकनकारी सॉर्ट ऑफ कुर्ता, समर में ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और जो मैंने कलर लिया है हल्का सा स्काई ब्लू अंडरटोन में है ये, और साइज़ मैंने इसमें भी मीडियम लिया है, मुझे परफेक्ट फिट हो रहा है, ये भी टाइट नहीं है बिल्कुल भी, लूज़ साई है, स्मॉल जाती तो ऑब्वियसली टाइट होता, तो इसके लिए आप एक साइज़ अपना प्लस जा सकते हो, परफेक्ट साइज़ जो भी पहनते हो उससे एक साइज़ प्लस जाना तो एकदम परफेक्ट फिट मिलेगा आपको। स्लीव्स दिखा देती हूँ, एंड इसकी एम्ब्रॉयडरी कुछ इस तरीके, मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से हो रखी है, नीट एंड क्लीन है, 3/4 स्लीव्स हैं, एंड यहाँ पे भी ऐसे ना मोटिव्स हैं, एम्ब्रॉयडरी वर्क हो रखा है फ्रंट और बैक साइड में, ऐसा मिल जाएगा आपको। नेकलाइन इसका राउंड मिल जाएगा, एंड राउंड नेकलाइन पे भी इस तरीके का क्यूट सी ऐसे फिनिशिंग से वर्क मिल जाएगा पूरा ही इस तरीके का, और ये सारा वर्क ना ऐसे मशीन वर्क है, जो मशीन वर्क होता है उस तरीके का जो है
आई थिंक अब आप लोग समझ गए होंगे कौन सा ये चिकन करी वॉक जो मशीन वाला होता है ना उस तरीके का है। इसका भी प्राइस आई थिंक 600 समथिंग है, अफोर्डेबल ही है आपको। इसके साथ में बॉटम ही मिलती है तो पूरा मतलब कुर्ता सेट मिल रहा है 600-700 समथिंग में। बैक साइड से प्लेन है, मटेरियल इसका रेयन है और साइज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, चेकआउट कर सकते हो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और कई बार ना ऐसे होता है लिंक्स ओपन नहीं होते हैं तो आप उसे ले सकते हैं, मैं दे दूँगी। कई बार ना साइट का प्रॉब्लम हो जाता है या फिर कुछ और इशू हो जाता है, सो कोई दिक्कत नहीं, आप उसे ले सकते हैं। जो इसके साथ में बॉटम हम लोग को मिलती है फुल्ली इलास्टिक मिल जाएगा, पॉकेट्स इसमें अवेलेबल नहीं है। इसका मटेरियल सुपर कंफर्टेबल है, अच्छा है, ब्रीदेबल है। और इसमें जो फ्रंट में ना ओनली आपको इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी, ये वाली एम्ब्रॉयडरी बैक साइड में नहीं है, इसके प्लाजो पैंट में ऐसी जो रेगुलर फिट स्टाइल होता है ना उस तरीके का ये है। सो इसका ये है बॉटम। नेक्स्ट कुर्ता सेट है ना, ये हम लोगों को 3-पीस सेट में मिल जाएगा। ये मुझे इसे देखने में नॉर्मल सा कुर्ता लग रहा था बट जब मैंने इसे पहना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो सकता है सो आपको स्पेगेटी वगैरह का नीड हो सकता है, आप लोग चेक कर लेना, मुझे हल्का सा ट्रांसपेरेंट लग रहा है। इसका जो नेकलाइन है सब वी नेकलाइन मिल जाएगा और इसमें बहुत ज़्यादा सुंदर ऐसे ना सीक्वेंस और ये कुछ मोती कटदाना मोती जो भी होता है ऐसे वर्क मिल जाएगा। ये देखो सीक्वेंस है यहाँ पे और ये एंड हल्का फुल्का ऐसे एम्बेलिशमेंट वर्क मिल जाएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा है। इसकी वजह से ना इसको आप हल्का फुल्का ऐसे गैदरिंग भी हो ना तो आराम से पहन सकते हो, काफ़ी डिसेंट कुर्ता है ये। और प्रिंटेड मिल जाएगा पूरा कुर्ता, ऐसे लेसिंग वर्क यूज़ कर रखा है। और ये वाला जो आप मोटिव्स ऐसे छोटे छोटे देख रहे हो ना वाइट में वाइट, ये प्रिंट हो रखा है। जी हाँ, वाइट कलर का ऐसे प्रिंट हो रखा है और ये वाला प्रिंट ना पूरे कुर्ते में है, इस तरीके का मोटिव्स बना के और पूरे कुर्ते में इस तरीके का छोटा छोटा ऐसे प्रिंट मिल जाएगा। एंड यहाँ पे ना नीचे इन्होंने इस तरीके का लेसिंग वर्क यूज़ करके और ये ऐसे लेस वर्क अटैच कर रखी है। जो इसका फ्रंट साइड था सेम ही आपको बैक साइड में मिल जाएगा, इस तरीके का है रेगुलर फिट कुर्ता है, जो साइड स्लिट कुर्ते होते हैं वो मिल जाएगा। इसके साथ में जो ट्राउज़र मिलेगी फुल्ली इलास्टिक मिल जाएगा और इसका भी ना मटेरियल प्योर कॉटन है इसके ट्राउज़र का भी, और पूरी ट्राउज़र ना इस तरीके की प्रिंटेड मिल जाएगी आपको। एंड यहाँ पे ना हल्का सा ऐसा जो पठानी लुक होता है ना उस तरीके का इफेक्ट मिल जाएगा। प्योर कॉटन का कुर्ता सेट है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, पहनने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और 3-पीस है कि इसमें आपको दुपट्टा भी मिलेगा जिसका लेंथ विड्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये देखो मैं अभी दिखा देती हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इस तरीके का है, इसका जो मटेरियल है इसका भी प्योर कॉटन है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। एक तो इसके कलर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और वाइट इसका बेस है ना तो उसकी वजह से अलग ही ग्रेस आ रही, तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। नेक्स्ट भी ना हमें ऐसे ऑफ वाइट कलर का ही कुर्ता मिल जाएगा बट इसका मटेरियल रेयन कॉटन है, इसको आप मशीन वॉश भी करोगी तो चल जाएगा बट इसमें ना नेक लाइन में मैंने अभी देखा सीक्वेंस भी है सो अवॉइड करना मशीन वॉश। और इसका भी मैंने जो साइज़ लिया है मीडियम साइज़ लिया है, एकदम मज़ेदार फिटिंग आ रहा है, मतलब हल्का फुल्का लूज़ लूज़ बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इसको पहनने के बाद, फिट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जैसे पाकिस्तानी स्टाइल के जो कुर्ते होते हैं ना लूज़ लूज़ से उस तरीके का लग रहा है। और स्लीव्स इसकी मिलेगी आपको 3/4 और ये देखो कितना सुंदर इसमें से प्रिंट हो रखा है, बैक साइड में भी इसी टाइप का है और फ्रंट। और इसका जो कलर है ना ऐसे ऑफ वाइट कलर है बट इन्होंने यहाँ पे ना ऐसे जो लाइनिंग होती है ना वो अटैच कर रखी है तो हल्का सा ना क्रीम कलर आ रहा है, क्योंकि इसका जो बेस है ना लाइनिंग का वो क्रीम हल्का सा येल्लोइश है, सो इसकी वजह से हल्का सा ओनली यहाँ तक आ रखा है इसका हल्का इफेक्ट येलो वाला और ये वाला नॉर्मल है। और इसमें ना आपको नीड थी नहीं मतलब लाइनिंग वगैरह अटैच करने की बट फिर भी इन्होंने ऑन ए सेफर साइड दे रखी है तो ठीक भी है। इसका मैं आपको नेकलाइन दिखाती हूँ, नेकलाइन ऐसे वी नेकलाइन मिल जाएगा, ओनली सीक्वेंस का वर्क मिल जाएगा आपको। आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा, सीक्वेंस का वर्क मिल जाएगा नेकलाइन पे और बाकी पूरा ये प्रिंटेड मिल जाएगा, प्रिंट आप देख सकते हो कुछ इस तरीके के हैं। और यहाँ तक आपको ना लाइनिंग अटैच मिलेगी वेस्ट तक, बाकी आपको लाइनिंग नहीं मिलेगी, ये वाला इस तरीके का है, पूरा प्रिंटेड मिल जाएगा। पहनने के बाद आपको एग्जैक्ट लुक ट्रायल से क्लियर हो जाएगा कि कैसा लग रहा है, बैक साइड से पूरा सिंपल प्लेन मिल जाएगा। देखो अब आपको शायद कलर का डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, मतलब हल्का सा अंडरटोन येलो हो गया यहाँ पे और यहाँ पे ऑफ वाइट है, सो इस तरीके का है ये। इसके साथ में प्लेन बेसिक बॉटम मिल जाएगा ऑफ वाइट कलर का, सेमी इलास्टिक है। इसका जो मटेरियल है ना काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, सो लाइट वेट ये काफ़ी ज़्यादा। और इसके साथ में जो हम लोगों को दुपट्टा मिलेगा
वो पूरा ही इस तरीके का ना प्रिंटेड मिल जाएगा। और ये भी जो मटेरियल है ना, जिसके कुर्ते का था, सेम ही इसका मटेरियल है। ये देखो पूरा इसी तरीके का प्रिंटेड है। और इसका मुझे लेंथ विर्थ एकदम परफेक्ट लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। मुझे इतना मतलब विर्थ वाले कुर्ते, मतलब विर्थ वाले दुपट्टे मुझे ठीक लगते हैं। ये देखो इतना है, मतलब ठीक लग रहा है। आपको वैसे भी ट्राई ऑन से पता चल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे एकदम परफेक्ट लग रहा है। ये देखो, और इस वाले कुर्ते को, मतलब बाकी अगर इसके नेकलाइन पे ये सीक्वेंस नहीं होता, सो इस तरीके का कपड़ा है कि इसको आप मशीन वॉश भी करोगे तो कुछ ख़राब नहीं होगा, बट सीक्वेंस है सो अवॉइड कर सकते हो। नेक्स्ट वाला है ना, ये वाला कुर्ता एक्चुअली मैंने ऑर्डर कुछ और किया था और मुझे रिसीव कुछ और हुआ है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, हम लोगों के साथ भी होता है, जी हाँ। और इसके लिए मैं बोलना चाहूँगी मीशो के लिए ना, आप एक सेलर से एक ही कुर्ता ऑर्डर करना एक टाइम में, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बहुत सारे लोग, हम भी कर रहे हैं, क्योंकि पैकेट में एक प्रोडक्ट होता है और बाहर आपको क्वांटिटी दो या तीन या जितने भी आपने ऑर्डर करिए वो शो हो जाएगी, बट जब आप खोलोगे तो आपके साथ ब्लंडर हो जाएगा। सो मत करना ऐसा, एक सेलर से एक टाइम पे एक ही प्रोडक्ट ऑर्डर करना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और चीज़ें अगर आपके पास, मतलब ऐसा कुछ ऑप्शन हो कि हल्का फुल्का दिखा दे वो आपके जो भी कुरियर वाले भैया होते हैं, तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अभी इस कुर्ते, मतलब मैंने कुछ और मंगाया था और उन्होंने मुझे ये भेजा है। ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ आपको क्योंकि इसका ना मटेरियल अच्छा है। कुर्ते का मुझे प्रिंट थोड़े से कम पसंद आ रहे हैं, बट पहनने के बाद तो ठीक लग रहा है। बट जो मैंने ऑर्डर किया था ब्लू कलर का, काफ़ी ज़्यादा क्यूट सा है, वो आप देख सकते हो, मैं स्क्रीनशॉट अटैच कर दूँगी, आप देख लेना कैसा है, वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। बट उन्होंने मुझे ये भेजा है, बट ये वाला कुर्ता जो मैंने पहना, सो मटेरियल इसका जो है रेयन है, इसको हैंड वॉश मशीन वॉश जैसे जाओ वैसे करो आराम से, कुछ ख़राब नहीं होने वाला इसका, इस तरीके का है। बट मुझे नहीं पता अगर आप इसे ऑर्डर करते हो तो क्या ही आएगा, मुझे नहीं पता। 3/4 आपको ऐसे स्लीव्स मिल जाएगी, आप मतलब प्रिंटेड है, नॉर्मल इस तरीके का कॉलर मिल जाएगा और ये प्रिंटेड है पूरा। बस इसका मटेरियल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लाइक मशीन वॉश भी करोगे रफ एंड टफ, आप इसे एक साल भर, डेढ़ साल भर, दो साल, मतलब जितना टाइम आप पहनते हो आराम से यूज़ कर सकते हो। तो इसके बारे में सिर्फ इतना ही, मैंने ऑर्डर कुछ और किया था, मुझे मिला कुछ और, ऐसा ये नहीं फर्स्ट टाइम में, बहुत बार होता है। अब ये रिटर्न जाएगा नहीं जाएगा मुझे नहीं पता, क्योंकि उनकी जो रिटर्न पॉलिसी है वो भी बहुत ज़्यादा, मतलब चिक चिक सी हो जाती है, नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि हमने तो सही प्रोडक्ट भेजा था, सही भेजा था, बट हमारे पास तो ये रिसीव हुआ, वो कहते हैं नहीं 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 हमने तो सही भेजा था। तो इस तरीके का कुछ हो जाता है। मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको, नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ आपको एक पार्टी वियर अफोर्डेबल ही ड्रेस है। इसमें आपको ना 3-piece set मिल जाएगा, लाइक दुपट्टा और ये कुर्ता और इसके साथ में जो प्लाजो होते हैं, जो हैवी वाला प्लाजो होता है वो। इसका कलर आप देख सकते हो जैसा एज इट इज़ आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, सेम ही है इसका कलर है। एंड फ्रंट और योग जो पार्ट है इसका, फ्रंट और बैक इसका सेम मिल जाएगा। इसमें आपको स्क्वायर नेकलाइन के साथ में इस तरीके का पाइपिंग वर्क मिल जाएगा और इसमें आपको सीक्वेंस और ये से जरी वर्क मिल जाएगा। इसका जो मटीरियल है जॉर्जेट मटीरियल है एंड इसमें ना ऐसे स्लिट मिल जाएगा आपको, जो फ्रंट स्लिट होते हैं ना इस तरीके का स्लिट। और इसका एग्जैक्ट लुक ना आप ट्राई ऑन से देखना, बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। मतलब हल्का फुल्का अगर आपको कोई गैदरिंग के लिए कुछ चाहिए ना, कुछ अफोर्डेबल पीस चाहिए, सो आप डेफिनेटली इसके साथ में जा सकते हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश, काफ़ी ज़्यादा कूल और इजी ब्रीजी सा पीस है ये और अफोर्डेबल भी है। बैक साइड से आपको प्लेन मिल जाएगा, मतलब ये वाला जो मटेरियल है ना इसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये जॉर्जेट मटेरियल है और ये वाली जो डिटेलिंग है इसकी मिनिमल सी है, बहुत ज़्यादा से हैवी नहीं है, सो बेसिक साई है। इसके साथ में जो प्लाजो मिलेगा वो बहुत अच्छा है, वो मतलब एकदम फ्लोई फ्लोई सा है ना, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फुल्ली इलास्टिक मिल जाएगा एंड ये देखो इसका फ्लेयर, और इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा वेट भी है, ये देखो। और ये ना आपको सी थ्रू बिल्कुल नहीं होगा बिकॉज इसमें लाइनिंग भी है, सिंटून फैब्रिक की है, और ये आपको मिल जाएगा जॉर्जेट फैब्रिक का, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये वाला। एंड इसके साथ में आपको बॉटम मिल, सॉरी, इसके साथ में आपको दुपट्टा मिल जाएगा, जो कि लेंथ फिर इसकी मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, मतलब मिड काइंड ऑफ है, बस इतनी है, बट हाँ नेक में डालना है तो ठीक रहेगा। सो बस यही था आज का सारा हॉल कलेक्शन, और अगर ये आज का कलेक्शन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।